हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आई एम फाइन एंड टुडेज इन माय वीडियो आई एम गोइंग चित्रकूट विद माय फुल फैमिली। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो जंगल गाइज, हम लोग सिर्फ और सिर्फ चित्रकूट ही नहीं, हम लोग जा रहे हैं एक फैमिली पिकनिक पे और मेरे सारे भाई बहन सारा परिवार फोन पे लगा हुआ है। सो गाइज, ये हमारी फर्स्ट लोकेशन भरतकूट। सो गाइज, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी, मेरा मन तो बिल्कुल इनके लिए स्वार्थी हो गया। सो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं भरतकूट। सो गाइज, यहाँ पर बना हुआ है भरत जी के द्वारा बनाया गया कुआं, इसमें जाएंगे। एक यहाँ पर भरत जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक कुआं खोदा था, और अभी जब हम यहाँ पे आए हैं तो ये कुआं इतना गहरा है कि इसे देखना बहुत ही मुश्किल है, और वीडियो में तो ये बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा। ये फ्रेंड्स, तो ये है राम भगवान जी के पैर। तो हमने लगा लिया परिक्रमा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर ले लिया है भरतकूट, भरत जी का जो कुआं था वहाँ से जल, जिस जल से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। सो गाइस, सच में इस मंदिर के दर्शन करके हमारा मन प्रसन्न, और हमने यहाँ का पवित्र जल भी ले लिया है जिससे हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, अगर आप इस यहाँ के जल की दो बूंदे भी अपने ऊपर डाल। सो गाइस, आज मेरी सिस्टर कुहू का बर्थडे भी है, सो ये रही वो। उसे अपनी मम्मा के पास जाना है, अभी हम आपको अपनी मम्मा के पास भेज देंगे। सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं भरतकूट कूप से, एंड दरअसल यहाँ पर जो है भरत जी आए थे, उन्होंने यहाँ पर कुआं खोदा था एक, और अभी भी हम जब इस कुएं में आते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता, ये कुआं इतना ज़्यादा गहरा है कि डर लगता है इसके सामने खड़े होने में, और वीडियो में तो दिखाई ही नहीं देता है। तो अभी सब लोग बाहर ही हैं, सिर्फ हम ही लोग अंदर आ चुके हैं, एंड आज कुहू का बर्थडे भी है। सो हैप्पी बर्थडे कुहू, हैप्पी बर्थडे कुहू, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। सो अब हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट, क्योंकि अभी हम भरतकूट नाम की जगह पे थे और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है चित्रकूट, तो हम सीधा यही जा। जगह का नाम है हनुमान धारा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं सेकेंड टाइम ही जा रही हूँ रोप वे में, एंड मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड। हाँ, 3-10 साल से छोटे दे दो, 7 बड़े दे दो। तो ये है वो जगह जहाँ से हम रोप वे में जाएंगे। सिया, आप एक्साइटेड हो झूले में झूलने के लिए? वो गिर जाएगी। कुहू, आप एक्साइटेड हो झूले में झूलने के लिए?
गए थे सीता माता की रसोई में दर्शन करने हैं। अभी हम लोग आए हैं मंदाकिनी नदी के दर्शन करने हैं। एंड अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं नहाने। हम लोग एक कुंड में नहाने जाएंगे आई थिंक, मुझे अभी इतने अच्छे से नहीं पता है, बट हम जब जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी। एंड फिर जो आगे का प्लान होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर हम किसी भी कुंड में नहाने नहीं गए थे, क्योंकि हमें बहुत रात हो चुकी थी ऑलरेडी, परिक्रमा भी करनी थी हमें। फिर उसके बाद हम लोग यहीं पर रुके रहे। हमने यहीं का बहुत ही ज़्यादा शानदार सा व्यू इन्जॉय किया, और साथ ही साथ मेरी बहन ने, मेरी छोटी बहन कुहू ने अपना डांस दिखाया। असल में उस दिन उसका बर्थडे था और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, सो उसने अपना डांस भी दिखाया। यहाँ पर सॉन्ग्स बज रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लाइटनिंग से डिज़ाइन होती है वाटर में वो भी हो रही थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। सच में जगह बिल्कुल जन्नत है, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये बाय बाय मंदाकिनी नदी। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे कामतगिरी परिक्रमा की, परिक्रमा लगाने। उसमें मैंने देखा कि कई सारे लोग वहाँ पे अपना बिस्तर लगा कर सो रहे थे, तो मुझे देखकर रियली बहुत बुरा लग रहा था। वैसे तो मैं आगे ये मैं हुई जो अभी अपनी छोटी बहन कुहू के साथ घूम रही है, और उसने जो न्यू फ्रॉक पहनी है, उसके बर्थडे फ़ोटोज़ में भी आपने देखी ही होंगी। सो या गाइस, मैं यही कहती हूँ। और हमने रात में परिक्रमा काफ़ी लेट स्टार्ट की थी, 11 to 1 o'clock तक हमने परिक्रमा करी थी, बिकॉज स्टार्ट सुबह बहुत धूप भी रहती है और भीड़ भी रहती है, और रात में जब हमने परिक्रमा करी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो हम लोग अकेले परिक्रमा कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जो मेरी छोटी बहन आपको आगे दिख रही होगी, वो गाने गा कर आगे चल रही थी, और फिर हम सबको बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस मिल रहा था आगे बढ़ने का, तो इसलिए हम सब लोग भी गाने गा कर आगे चल रहे थे। एंड मैं आपको बता दूँ, इस जो ये जो वीडियो है इसकी शूटिंग मेरे ध्रुव भैया कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं तो आगे घूम रही थी। मैं मतलब सबसे मैं और सिया तो बिल्कुल आगे ही चल रहे थे और गाने गा रहे थे, यहाँ पर मैं आपको दिखी गई हूँगी। चलो अभी हम आगे चलते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके हमने परिक्रमा अपनी फिनिश भी कर ली थी। ऑफकोर्स 5 kilometers की परिक्रमा होती है, और ये कन्फ्यूज मत होना, कामतानाथ पर्वत की परिक्रमा, उसे कामतगिरी पर्वत भी कहते हैं, कामतगिरी गिरी मतलब पर्वत होता है। सो गाइस अभी हम लोग लगा रहे हैं परिक्रमा कामतानाथ मंदिर की, जो कि है पूरे 5 kilometers की परिक्रमा, और अभी हमारा 1 kilometer भी कम्प्लीट नहीं हुआ। गाइस हम लोगों ने सोचा है कि हम ऐसे लगातार नहीं जाएंगे, हम रेस्ट ले लेके जाएंगे, वरना हम लोग थक जाएंगे। असल में हमारे साथ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, जैसे कुहू है, और वो बेचारी अकेले चल चल के परिक्रमा लगा रही है, सो इसलिए हमारे लिए थोड़ा टफ होगा, तो हम रेस्ट ले लेके जाएंगे, क्योंकि 5 kilometers की परिक्रमा है ये। एंड गाइस आज का मौसम बहुत अच्छा, असल में गाइस आज हम लोग ना, जैसे हम पिछली बार परिक्रमा लगाने आए थे, तो वहाँ पे सुबह आए थे और सुबह बहुत भीड़ भी थी और बहुत धूप थी, हमारे पैर जल रहे थे ज़मीन में, बट अभी हम जब आए हैं तो हम रात के 12 बजे आए हैं, और आराम से 1-2 बजे तक परिक्रमा लगाएंगे। एंड हम यहाँ पे रात में आए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरी जगह खाली है, बस यहाँ पर कुछ लोग सोए हुई हैं, और बाकी तो पूरी जगह खाली है। आराम से अपना अपनी जगह समझ के चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, गाते भगवान के भजन, गाते सुनते चलते जा रहे हैं, एंड भगवान की कृपा हुई तो हम ऐसी भजन करते करते पहुंच जाएंगे हमारी मंजिल पे, जो कि है 5 kilometers बाद। एंड लोग चले जा रहे हैं, अभी तुम्हारा 1 kilometer भी कंप्लीट नहीं हुआ। We are alone. Hey, बच्चों तुम बीच में। सीधा पीछे चलो। हमारी आधी परिक्रमा कम्प्लीट हो चुकी है, एंड ये देखो जो कि थक चुकी है, इसलिए उसे ध्रुव भैया ने अपने ऊपर बैठाया है। ये यहाँ पर तो लोगों के घर हैं। बीच में नहीं लगी बेयरिंग। फायर कौन मिलता है? हम रास्ते में बहुत सारे बंदर मिले और कई सारी बोल्स भी मिली, बट हम थोड़े डरे, बट फिर नहीं, डर थोड़ा डर ख़त्म होता गया, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है। बस मंकीज़ के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखानी चाहिए जो वो छीन सके, और यहाँ पर 2 cats हैं, मैं आपको दिखा। तो गाइस फाइनली हमारी परिक्रमा फिनिश हो चुकी है भोले बाबा की कृपा से। सो आज
आज है हमारे ट्रिप का सेकेंड एंड लास्ट डे एंड अभी हम लोगों ने एक होटल में हम लोग स्टे कर रहे हैं। हम लोग कल भी होटल में थे और उसी होटल में आज भी स्टे कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में इस होटल से चेकआउट कर लेंगे। एंड गाइज आज अभी हम सब नहा धो के तो रेडी हो गए हैं और ये रहा मेरा टुडेज आउटफिट। एंड हम लोगों ने चाय टोस्ट भी खा लिया है, बस हमें ब्रेकफास्ट करना है। बट हमें यहाँ का जो होटल का ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी कॉस्टली लग रहा है, सो हम लोग सोचे कि कहीं बाहर जाके ब्रेकफास्ट कर लें। एंड फिर उसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, फिर सीधा घर जाएंगे, वो तो आपको ब्लॉग में पता चलता ही रहेगा। सब लोगों ने नहा लिया है और गाइस आज रात में लाइट ने मैं बहुत परेशान किया, लाइट ने परेशान किया, पंखा नहीं चल रहा था। वैसे तो मैं सो गई थी बट जब मैं सुबह उठी तब मुझे पता चला कि लाइट ही नहीं आ रही थी रात भर। बट मुझे क्या होश था क्योंकि मैं तो सो गई थी ना। एंड अभी सब लोग तैयारी कर रहे हैं चेकआउट करने की, सब लोग रेडी हो रहे हैं बिकॉज पापा के भी, मेरे पापा टीचर हैं तो उनके भी स्कूल खुल चुके हैं, हमें सबको जाना पड़ेगा। एंड मैं आपको अपना होटल का रूम दिखाती हूँ। एक्चुअली गाइस हम लोगों ने ना दो गाड़ी रखी थी आने के लिए जाने के लिए, दो गाड़ी में हम लोग आए हैं। हम लोग ने दो रूम बुक किए हैं, एक जेंट्स के लिए एक लेडीज़ के लिए। तो हम जिस रूम में मैं वो आपको दिखा रही थी। तो अभी हम लोग आए हैं कामतानाथ भगवान जी के मंदिर में उनके दर्शन करने। वैसे हमने कल रात में ये 5 किलोमीटर की परिक्रमा ख़त्म कर दी थी बट अभी हम उनके दर्शन करने आए हैं क्योंकि रात में हमें उनके दर्शन नहीं मिले थे। और यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं, मेरे जितने भी भाई बहन हैं जितने भी लोग हैं वो सब अपने लिए कुछ खरीद रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पंडित जी ने मुझे एक कलावा बांधा है, दर्शन तो हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। और ये रही उसकी फ़ोटो। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा ही, मन हमारा बहुत ही प्रसन्न हो चुका है, हम इतने ज़्यादा भक्ति में लीन हो गए थे। और एक आज गजब बात हुई है, आज हमें यहाँ पर एक भी बंदर नहीं दिख रहा। वैसे तो यहाँ पर बहुत से बंदर होते हैं, जैसे मैंने आपको एक ब्लॉग मैंने अपलोड किया उसमें दिखा होगा कि बहुत सारे बंदर थे, लेकिन आज सुबह यहाँ पर एक भी बंदर नहीं दिख रहा। कल रात में बहुत बंदर थे और ये लोग यहाँ पर कुछ खरीद रहे हैं। अरे राम, सो ये रहा बाहर का दृश्य। हम लोग अभी मंदिर से बाहर आ गए हैं, मंदिर अभी उस साइड को है बट हम अभी बाहर आ गए हैं। बाहर जाने का रास्ता यहाँ से है। मुझे भी अपने लिए खिलौने खरीदने हैं। गोपाल जी की ड्रेस, ये आपको क्या चाहिए? मुझे अपने यहाँ पर कहीं अपना कहीं और जाकर ढूंढूं। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ लेती हूँ। तो देखो दोस्तों, मुझे ये पसंद आया है, ये मैं लेने की सोच रही हूँ। इसमें ओम लिखा हुआ है। एंड ध्रुव भैया क्या ले, आप क्या ले रहे हैं? ये तो है इतना बड़ा दिखी। ध्रुव भैया, ध्रुव आप क्या लेने की सोच रहे हैं? लड़का लेंगे तो है, क्या लेना है पार्टी में? और नहीं तो क्या, ये वाला ब्लू कलर का महाकाल, ये मम्मा को तो बुलाओ मम्मा। अरे पता नहीं गाइस ये क्या हो रहा है, कोई हमें कुछ खरीदवा ही नहीं रहा है। बहुत छोटा ना, इसमें ना किचन सेट ये चाहिए था उसे, किचन सेट क्यों नहीं? नहीं मम्मा मत टच करो। वाओ गाइस देखो कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, कितने सुंदर सुंदर ड्रेसेस है। एंड ये कलावा है। गाइस अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे थे और हम सबकी शॉपिंग फिनिश हो चुकी है और मैंने एक ताबीज़ खरीदी है अपने लिए और बाकी सब में से ध्रुव भैया और पार्थ ने अपने लिए कड़ा खरीदा है, कुहू ने अपने लिए फ़ोन खरीदा है, मतलब गेम वाला फ़ोन खरीदा है, सिया ने अपने लिए गेम खरीदा है, बाकी सब लोग अपने मंदिर के लिए सामान खरीद रहे हैं। हमें बहुत मज़ा आ रहा है, अभी हम सोच रहे हैं कि कहीं कुछ खाने जाएँ बिकॉज हमें बहुत भूख भी लग रही है। सो गाइस उसके बाद हम लोग चले गए थे गुप्त गोदावरी में, जो कि गुफा होती है जहाँ पे अंदर पानी भरा होता है, तो इसलिए वहाँ पर मैं फ़ोन से वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई और मैंने उसके बाहर फ़ोटो खिंचवाई जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखवा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपको अंदर नहीं दिखा पाऊँगी। तो हम चले जाते हैं अभी गुप्त गोदावरी। सो गाइस
गाइस गुप्त गोदावरी के बाद सीधे हम लोग आ गए थे अपने घर वापस। एंड ये था एक्चुअली मेरा बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वीडियो, ये मेरा वीडियो जून या जुलाई के टाइम का था। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ ऐसे वीडियोज़ चाहिए या नहीं, अगर कमेंट ऑन हो तो। और गाइस हाँ प्लीज़ सपोर्ट करना गाइस, बिकॉज इस वीडियो की एडिटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। मैंने इस वीडियो की एडिटिंग में अपने पूरे 1 आवर दिया है और मेरा ये वीडियो बहुत ही पुराना था, तो इसलिए अपने वीडियो को ढूंढ करने की बहुत ही प्रॉब्लम हुई। देखो ना, 3 2 1 गो। ओके सो गाइज ऐसे सपोर्ट करते रहो, अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे वीडियोस देखते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।